हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी इडली डोसे को कंप्लीट करने वाला स्वादिष्ट खट्टी चटपटी सांभर की है, जिसे बनाना बहुत ही आसान और सिंपल है। बस 15 मिनट में बन करके रेडी हो जाता है और ये जितना टेस्टी होता है उतना ही हेल्दी और पौष्टिक भी होता है। तो चलिए आज की इस स्पेशल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए तुअर दाल को मैंने हल्का गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिंगो के रख लिया था और ये अरहर की दाल है आधा कप, इसे तुअर की भी दाल कही जाती है। इसे मैंने एक कुकर ले लिया है, उसमें एक चम्मच सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप डाल दीजिएगा। ये मैं तेल इसलिए डाल रही हूँ ताकि ऊपर तक आए नहीं, जब हम दाल बनाएंगे ना तो ऊपर तक नहीं आएगा। और एक चुटकी मैंने हींग डाल दिया और पूरा दाल हमने पानी निकाल करके इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और, क्योंकि हमें दाल बनानी है तो बिल्कुल दाल एकदम पतली वाली दाल होती है ना उतना। तो 2 गिलास मैंने पानी डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला है। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और 2 चुटकी के करीब हल्दी डाला है। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर को बंद करके 1 विसल आने देंगे। और जब तक 1 विसल आता है सब्जियां देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने लिया है कद्दू या पम्पकिन, और ये लिया है मैंने लौकी थोड़े से वो भी, और ये गाजर लिया है थोड़ा सा, और ये साथ में लिया है टमाटर, मैंने 2 लिए हैं छोटे छोटे मीडियम साइज वाले, और ये थोड़ा सा बैंगन, और साथ में लिया है थोड़ा सा आलू। जो सब्जी आपको पसंद ना हो वो स्किप कर सकते हैं और एडिशनल सब्जी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया, लहसुन थोड़ा सा और थोड़ा सा प्याज, और ये थोड़ा सा आधा प्याज मैंने ऐसे ही कट करके ले लिया है। सीटी लग चुकी है, प्रेशर रिलीज हो चुका है, तो चलिए खोल के देखते हैं हमारा दाल कैसा बना हुआ है। ये मैं आपको पास से थोड़ा सा पलटे में लेकर के दिखा रही हूँ, काफी मैसी सा बन गया है। अब भिंगो के रखेंगे तो इसी तरह बहुत जल्दी दाल बन जाता है। अब इसमें मैं वापस से फ्लेम पे रख करके जो सब्जियां हमने रफली चॉप करके रखा था ना बड़ा बड़ा हिस्से में, वो हम सब इसमें डाल देते हैं। और इन सब्जियों के साथ एक मैं आइटम दिखाना भूल गई थी, थोड़े से ग्रीन हरे मटर को मैंने डाल दिया है, तो इसे भी आप ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दीजिए और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी सांभर मसाले को। तो अच्छी तरह से अब बाकी सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने और सांभर मसाला डाला क्योंकि पूरा 1 चम्मच था नहीं, और थोड़ा सा पानी भी मैंने आधा कप के करीब ऐड कर लिया। सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। वापस से मैं इसको बंद कर देती हूँ, कुकर को बंद कर देती हूँ और 1 सीटी आने तक करते हैं। 1 सीटी में सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। 1 सीटी हो गया है और गैस भी अच्छी तरह से रिलीज हो चुका है, ओपन करके हम इसे देख रहे हैं कि अच्छी तरह से सब्जियां पक चुकी हैं। और ये देखिए मैसी भी नहीं हुई है, बहुत बढ़िया। हमारा दाल भी अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा ही हमें दाल सब्जी वगैरह सब बना करके रेडी करना है। चलिए अब हम तड़के के लिए तैयारी करते हैं। तो एक हम ले लिए हैं पैन और उसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा हींग वापस से डाल देते हैं 1 चुटकी बराबर। और जब चटकने लगे तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। और आप इस वक्त लाल मिर्च भी अगर खाना पसंद करते हैं ज्यादा तीखा तो डाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसमें अदरक डाल रही हूँ और साथ ही थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल दे रही हूँ। और जो मैंने हरा मिर्च को कट किया था वो हरा मिर्च 3 से 4 के करीब मैं डाल देती हूँ। वैसे आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरा मिर्च लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी कड़ी पत्ते को भी डाल दिया है। अब सारी चीजों को चटकने देंगे। जब ये थोड़ी चटक जाए, 10 सेकंड हो जाए, तब इसमें मैंने बारीक चॉप करके जो एक साइड में रखा था ना 1 प्याज, उसके लच्छे को हम डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस पिंक होने तक हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। ये मैंने थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दिया, बहुत थोड़ा सा, 1/4 चम्मच। मुझे थोड़ा कम लगा सांभर को जब मैंने टेस्ट किया तो, इसलिए मैंने ये डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाते हुए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। अब देखिए प्याज का कच्चापन अच्छी तरह से निकल गया, पिंक हो भी गया है, तो मैंने सांभर पूरा दाल सहित मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और एक अच्छा बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे इसे रखेंगे ताकि फटाफट एक अच्छा बॉयल इसमें आ जाए। और इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गुड़, बहुत थोड़ा सा, नहीं तो अगर शक्कर डाल रहे हैं तो 1/2 टेबल स्पून शक्कर डाल दीजिएगा।
और ये थोड़े मैं साबुत जो प्याज आधा कट करके डाला था ना वो मैं डाल देती हूँ। ये जब आता है ना सांबर खाते हुए क्रंची सा टेस्ट, क्योंकि पूरी तरह से तो ये पकता नहीं है, तो बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए अच्छा बॉयल आने लगा है सांभर में, तो मैं इसमें इमली का पल्प डाल देती हूँ। इमली का पल्प ना हो तो इसके जगह पे आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस, और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छा बॉयल आ रहा है, मतलब हमारा सांभर बन करके रेडी हो गया है। सारी चीजें पहले ही पक चुकी थी, थोड़ा सा इसे धनिया पत्ता से मैंने गार्निश किया है। सांभर रेडी है बिल्कुल। इसी वक्त आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर नमक कम ज्यादा लगे, खट्टा कम ज्यादा लगे तो आप उसको जाकर डाल करके बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में गर्मा गर्म स्वादिष्ट हेल्दी सांभर को सर्व करते हैं। इसका लुक और टेक्सचर देखिए, और कलर भी बहुत ही शानदार बन पड़ा है। सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी। इसे आप मेदू वड़ा, इडली, डोसा या फिर सिंपल स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसका सूपी टेक्सचर इतना बढ़िया है कि इसे आप ऐसे भी एज ए सूप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके ढेरों कमेंट्स कीजिए, और लाइक शेयर भी कीजिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।